हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ ईट राइट कार्निवाल में, जो कि रिवर फ्रंट पे लगा हुआ है मरीन ड्राइव की साइड से। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 1090 चौराहे पे पहुँचना है, वहाँ से भी रास्ता है, प्लस थोड़ा आगे से आप जाना चाहो तो वहाँ से भी रास्ता है। तो जो मरीन ड्राइव है ना, उसके जस्ट पास में ही लगा है ये आई लव लखनऊ का जो बोर्ड है, उससे अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो जस्ट पास में ही लगा हुआ है। हम इस साइड से जा रहे हैं ताकि हमें पार्किंग वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको पीछे बताती हूँ कि पार्किंग का क्या है, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें घुमाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लखनऊ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए देखिए, हम इस साइड से जा रहे हैं, ये लगा हुआ है हमारा। अब देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री है कि नहीं है। वैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ एंट्री नहीं है, दूसरी साइड पार्किंग है। तो हमें पार्किंग की साइड सबसे पहले पार्किंग करनी है अपनी। तो यहाँ पे टू व्हीलर का ये लोग 10 रुपये ले रहे हैं, और फोर व्हीलर से आप आते हो तो 20 रुपये में आपकी पार्किंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। यहाँ पर इस टाइम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं तो हम अपना ईट कार्निवाल की तरफ चलते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे फूड कार्निवाल भी लगा था। उस टाइम भी डेकोरेशन वगैरह उस टाइम मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी थी। इस बार लेकिन स्टॉल काफ़ी हैं, उस बार उतने स्टॉल नहीं थे, जो भी था वो ब्रांड का था। ये देखिए साइड से जो ये बॉक्सेस बने हैं ना, इसमें सारे फूड का था। लास्ट टाइम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस बार यहाँ पर बिल्कुल रौनक नहीं है। इस बार दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रौनक है। तो आप बीच की साइड से जा रहे हैं तो वहाँ पर मेन स्टेज मिलेगा, और साइड साइड से आपको एक साइड, तो इस साइड देखिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए डेकोरेशन वगैरह मैं आपको दिखाती चलूँगी, तो आप देखते रहिए। देखिए पेड़ को ये लोग कितना अच्छे से डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद आई थी, लास्ट टाइम मुझे डेकोरेशन काफ़ी अच्छी लगी थी यहाँ पे, उसी तरह इस बार भी है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है ईट कार्निवाल का, ईट राइट कार्निवाल का। यहाँ पे दिनेश शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा सर ने इनॉग्रेशन किया था इसका। तो देखिए बच्चों के छोटे एक दो झूले भी आए हैं, शायद लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, इतना ज़्यादा फूड का मुझे शायद मुझे लगता है नहीं था, थोड़े बहुत ही थे। इस बार फूड का जो कि राइट हैंड साइड में काफ़ी था। भीड़ देखिए यहाँ पे, इस टाइम 6:30 बजे शाम को मैं गई हूँ और भीड़ देखिए आपको दिख रही होगी। स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति थी तो मैं सबसे पहले आपको वो थोड़ी सी दिखा देती हूँ। Thank you.
काफ़ी अच्छा था प्रोग्राम बच्चों के द्वारा, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगी कि एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारी शॉप लगी हुई हैं, अचार है, हर तरह के अचार है, और भी बहुत सारी शॉप थी। मैंने सबका अलग अलग वीडियो नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी भीड़ भी हो रही थी, शाम भी हो रही थी, तो हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुके। भेलपुरी वाले और वैदिक फूड्स ये सारे थे यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लखनऊ के ही थे ये सारे वेंडर्स, मुझे लखनऊ के ही लग रहे थे, लोग आसपास के ही थे। कटहल की बहुत सारी वैरायटी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मोमोज थे जो कि जस्ट आटे के बने हुए थे, मतलब मैदा का यूज़ ये लोग नहीं करते हैं, प्लस मल्टीग्रेन आटा था। ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी स्टॉल है। अगर अभी भी 3-4 दिन आगे लगे रहने वाला है तो आप आना चाहते हो तो आ सकते हो शाम के टाइम। दिन में ज़्यादा रौनक नहीं होगी, लेकिन अगर आप शाम को आते हो तो देखिए इस टाइम में 6:30 बज रहे हैं अप्रॉक्स, और ये 6:30 बजे इतनी भीड़ थी यहाँ पे। नॉनवेज भी कुछ वैरायटी थी, जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। फूड काउंटर काफ़ी थे, और इस साइड से अब हम देखिए यहाँ पे इन लोगों ने चिप्स वगैरह भी दे रहे थे, भेलपुरी चाय वाले, ये लोग तो हर जगह ही मिल जाते हैं। बच्चों के लिए 2-3 झूले भी लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। देखिए 2-3 लगे हुए हैं, और ये वलून वाला भी झूला था, वलून वाला भी था गन से मारने वाला। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं, इसी रास्ते से हम निकलेंगे। अगर आप पार्किंग के लिए आ रहे हो तो आप इसी से आइए, तो आपको पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेल्फी के लिए सेल्फी पॉइंट भी बना रखा था, लेकिन उस साइड नहीं मिले, इस साइड बिल्कुल रौनक नहीं थी इस बार। तो देखिए डेकोरेशन कितनी प्यारी होती है। वैसे भी मरीन ड्राइव तो हमेशा ही अच्छा लगता है, आप चाहे दिन में चले जाओ, सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ। तो देखिए अब हम यहाँ से लौट रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।